वेलकम बैक टू मेगा टूल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1500 वाट का हाई प्रेशर वॉशर इनको कंपनी का। ये इंडक्शन मोटर के अंदर है। मॉडल नंबर है इसका HP WR15028। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर हाई क्वालिटी का जो है मेटल पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है। उसके बाद अगर कॉपर 100% कॉपर वाइंडिंग है इसके अंदर। 1500 वाट है इसका और ये 220, 240, 50 हर्ट्ज के अंदर। उसके बाद आरपीएम की बात करूँ तो 2850 आरपीएम है और इसके प्रेशर की बात करूँ तो ये 100 बार है और पीएसआई में 1450, 1450 पीएसआई का है। और वाटर फ्लो रेट की अगर बात करूँ तो 6.7 लीटर पर मिनट है। और ऑटो स्टॉप सिस्टम है, ये जो है अपने आप जो है ऑन हो जाएगा। आप जब बटन को दबाएंगे तो पानी स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो अपने आप ही कट ऑफ हो जाएगा। इसके साथ हमको जो है एक जो है पाइप, लगभग 5 मीटर की जो है ये पाइप हाई क्वालिटी की है, जिसका प्रेशर जो झेलने की ताकत है इसकी 260 बार तक ये जो है मैक्सिमम झेल सकता है। और उसके साथ आपको एक जो है लगभग 1.5 से 2 मीटर पाइप दी जाती है पानी के लिए, जिसमें जो है आपका ये फिल्टर कनेक्ट होता है। अगर आप बाल्टी में डालकर यूज़ करना चाहते हैं तो इस फिल्टर को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी कचरा चला गया या बालू चला गया या जो है तो मशीन ख़राब हो सकती है आपकी। ये इस तरह लग जाएगा। और साथ में जो है 2 कनेक्टर और दिए हुए हैं। इसके अंदर भी देख सकते हैं आप फिल्टर लगा हुआ है। ये बारीक फिल्टर है और ये मशीन के अंदर जो है कनेक्ट होता है। यहाँ पे ये आउटलेट है जो है आपका, यहाँ पे ये वाली पाइप लगती है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप यहाँ पे लगती है। और जो है पानी जो कनेक्शन जो है आपका यहाँ पे लगता है। इसमें पहले ये कनेक्टर लगता है कुछ इस तरह और ये कनेक्टर इसके ऊपर लग जाता है। हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे और ये लग जाएगा और ये लॉक हो जाता है। ये देखिए इस तरह ये कनेक्ट हो जाता है और इसको इस तरह वापस से पुश करके निकल जाएगा। और इसमें देखिए ये पाइप जो है यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, ये खोल लेंगे, इसको अंदर डाल दिया और यहाँ पे पाइप लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे। ये पाइप बाहर नहीं निकलेगा और ये रेडी है इसमें लगाने के लिए। अब आप चाहें तो इसको, इस सिरे को बाल्टी में डाल सकते हैं या ड्रम में, और या तो आप इसको निकाल कर अपने टैब में लगा सकते हैं। और ये आपकी, इसके साथ जो है ये गन है। यहाँ पे एक सिरा जो है आपका मोटर में लग जाएगा और ये दूसरा सिरा जो है आपका गन में लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह कुछ यहाँ पे लग जाएगी इस तरह गन। और इस तरह चूड़ी लगाते वक्त, मतलब ये जो नट है इसका, इसको टाइट करते वक्त बहुत ही ध्यान दीजिए, ताकि जो है अक्सर क्या होता है कि हल्का सा तिरछा होने की वजह से चूड़ी ख़राब हो जाती है। काफ़ी लोग प्रेशर लगा देते हैं इसको टाइट करने के लिए, तो यहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बस स्मूथली आपका जो है ये नट जो है घूमना चाहिए।
कुछ इस तरह लग जाएगी गन आपकी, एक सिरा आपका जो है इस मोटर के अंदर लग जाएगा और ये दूसरा सिरा जो है गन की। और इसमें जो है टाइम टू टाइम ग्रीसिंग कर देनी चाहिए ताकि जो है आपकी जो ओरिंग है ये ख़राब ना हो। देखिए कंपनी ग्रीस देती है, इसके साथ लगी रहती है, तो ये अब जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं रखने से पहले इसको जो है ज़रूर ग्रीसिंग करके रखें ताकि जो है इस पर कार्बन ना आए या सूखे ना ये, तो इसकी जो है लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाती है। गन को आप यहाँ से देखिए एडजस्ट कर सकते हैं, अपने प्रेशर को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इसको घुमाकर, ये पॉइंटेड हो जाता है एकदम से। और एक चीज़ और है, आप ये इसके साथ एक पिन देते हैं, कंपनी जो है एक पिन प्रोवाइड करती है, ये कुछ इस तरह से रहती है, ये यहाँ पे क्लीनिंग के लिए रहती है। अगर दिखाई दे रहा हो तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पिन यहाँ पे अक्सर कचरा वचरा फंस जाता है तो ये इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे ये पिन दी रहती है। यहाँ से जो है घुमाकर आप अपने हिसाब से प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मोटर में जो है, मोटर भी दिखा देता हूँ आपको, मोटर में एक ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेशर गेज है, यहाँ पे प्रेशर बताएगा कितने प्रेशर पे मशीन चल रही है, और ये आपके एक सेफ्टी स्विच दिया हुआ है ताकि अगर मशीन ओवरलोड हो जाए तो यहाँ से ट्रिप कर जाए। ट्रिप की कंडीशन में वापस से जब आप इसको दबाएंगे तो ये दोबारा से जो है ऑन हो जाएगी मशीन में। यहाँ पे मशीन के ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वॉटेज का मॉडल नंबर और बाकी कितना रेटेड है, क्या है PSI, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे QR कोड है, इससे जो है आप एक कंपनी का वीडियो देख सकते हैं कंपनी की साइट पे जाकर। इस मशीन का आप इस्तेमाल जो है अपने गाड़ियों को धुलने के लिए, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, इसका जो है या फर्श धुलना हो, आप आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ये धुलाई कर सकती है। और जो है सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसका पानी का जो वेस्टेज है बहुत ही कम होता है, आप कम पानी के अंदर जो है आप अपनी साफ़ सफाई करवा सकते हैं गाड़ियों की या कर सकते हैं खुद।